क्या आपको पता है कि दिल्ली में जो आप जायफल इस्तेमाल करते हैं वो कैसे उगता है, या फिर लौंग, बड़ी इलायची कैसे उगाई जाती है, कहाँ पे लगती है, पेड़ों में या फिर बुशेज में? क्या आपने कभी रुद्राक्ष का पेड़ देखा है? या फिर आपको पता है कि दालचीनी कितने तरह की हो सकती है? अगर नहीं तो इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं आई हूँ पेरियार स्पाइस गार्डन में, जहाँ पर है तरह तरह के पेड़ और जहाँ उगते हैं तरह तरह के मसाले। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगी ठेकड़ी के मार्केट, जहाँ पर स्पाइसेस का भंडार है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो भी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र माना जाता है, और मैंने भी इसका पेड़ ऑफकोर्स पहली बार ही देखा। तो सबसे पहले ना इस तरह से ये हरा हरा दिखता है, और उसके बाद जब ये थोड़ा ड्राई हो जाता है तो ऊपर का कवर हट जाता है और हल्का सा ब्राउन होना शुरू होता है। कवर निकलने के बाद ये देखिए तीसरी स्टेज है इसकी, ये आपको हल्का सा ब्राउनिश ब्राउनिश दिख रहा है ना, लाइट ब्राउन ये होता है। और पूरी तरह से ड्राई होने के बाद आप इसका कलर देखिए कितना बदल जाता है। और ये जो रुद्राक्ष है ना, पंचमुखी रुद्राक्ष है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना इसमें से जो छेद है उसके आसपास से 5 लाइनें जा रही हैं। एक्चुअली मैंने भी पहली बार देखा कि रुद्राक्ष इस तरह से पेड़ों पे उगाया जाता है। और यहाँ देखिए ये लौंग का पेड़, तो इसको मैंने भी पहली बार देखा। आप देख सकते हैं ना छोटे छोटे क्यूट से हरे लौंग लगे हुए हैं, तो अभी ये लौंग कच्चे हैं। तो ये जो लौंग है ना, ये पेड़ पे लगे लगे पिंक कलर के हो जाते हैं, उसके बाद इनको उतार लिया जाता है, फिर इनको धूप में सुखाया जाता है, तब ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जो कि हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर है सबसे स्पेशल पेड़ जायफल का। तो जायफल जो है इस तरह से अमिया की तरह पेड़ों में लटकते हैं, और ये अभी 80% तक पका है, पर हमने तोड़ लिया है आपके लिए। और जब आप इसको इस तरह से काटेंगे ना, ये देखिए कितना खूबसूरत फल है इसका। तो ये हल्का सा आपको पिंकिश रेड दिख रहा है, क्योंकि अभी 80% तक पका है। जब ये पूरी तरह पक जाता है तो जो फल है ना अपने आप ही फट जाता है, और जायफल जो है नीचे गिर पड़ता है। तो ये जो पिंक है ना, इसको मेस या जावित्री बोलते हैं, और इसको ड्राई करके बहुत सारी सब्जियाँ, गरम मसाले, बिरयानी, पुलाव हर जगह यूज़ करते हैं। और इसके अंदर ये जो आप गुठली देख रहे हैं, इसको तोड़ा जाता है, इसके अंदर एक जो बीज निकलता है वो होता है असली जायफल, जिसको घिस के बहुत सारी मिठाइयाँ, केक और बिरयानी और गरम मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो ऊपर वाला कवर है ना, इसको ये लोग फेंकते नहीं है। अगर आप इसको टेस्ट करोगे ना, अमिया की तरह खट्टा होता है। इन्होंने हमें बताया कि ये इसका अचार तैयार करते हैं, जैसे कि कच्चे आम का अचार तैयार करते हैं। और थोड़ा आगे जाने पर हमें देखें इलायची के खूब सारे पौधे। इलायची, जैसा कि मैंने आपको अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि ये जड़ में लगती है, और ये इलायची जो है कच्ची ही हार्वेस्ट की जाती है, और इसको फिर डिहाइड्रेट किया जाता है या सुखाया जाता है मशीनों में डाल के। तो उन्होंने हमें बताया कि 12 किलो कच्ची इलायची को जब सुखाते हैं तो 2 किलो हमें डिहाइड्रेटेड या सूखी हुई इलायची मिलती है। और केरला में ना आप पूरे रास्ते में देखोगे ना, हर जगह इलायची के पेड़ ऐसी सड़क पे लगे रहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ की नीम, बरगद, और साउथ इंडिया में नारियल के पेड़ लगे रहते हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, छोटा छोटा जो लगा है, पता है आपको क्या है? ये है ऑल स्पाइस का पेड़। ऑल स्पाइस मतलब सारे स्पाइसेस की खुशबू एक ही पेड़ में होती है। इसकी पत्तियों को हम काफ़ी पुलाव, बिरयानी वगैरह में यूज़ करते हैं। और ये जो ऊपर छोटा सा बीज देख रहे हो ना, इसको भी ड्राई करके गर्म मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर है बड़ी इलायची का पेड़। ये जो आप रेड रेड देख रहे हो ना, ये थोड़ी बड़ी होके बड़ी इलायची बन जाती है। जब ये इलायची बन जाती है तो ये रेडिश जब कलर की होती है, तब इसको तोड़ लिया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है, और ये काले रंग की हो जाती है, जिसको हम आमतौर पे मसालों में यूज़ करते हैं। तो अभी सीज़न नहीं है, तो इसीलिए अभी ये बड़ी नहीं है। और यहाँ देखिए ये काली मिर्ची का पेड़, ये तो मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ये है ट्री टोमेटो, या फिर इसको टोमेटिनो के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अंदर खोलोगे ना तो इसमें छोटे छोटे बीजे निकलते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है। और ये जो है ना, नॉर्मल टमाटर नहीं है, ये पेड़ों पे लगते हैं टमाटर। और ये हमने ना बाली में भी खाया था, और यहाँ देखिए हमारे इंडिया में भी कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने मीठे और टेस्टी हैं। और ये देखिए, ये है वनीला का पेड़। तो वनीला तो हम नॉर्मली केक्स, आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो इन्होंने बताया, ये जो छोटा सा बड है, अभी इसके अंदर से फ्लावर निकलेगा, इसके ऊपर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाता है, उसके बाद जो है वनीला बीन तैयार की जाती है। क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, तो इसमें से आपको सिर्फ अभी बड ही नज़र आ रहा है। तो मसालों के अलावा ना, हमने यहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी देखी, जिनको पीस के या फिर जिनको किसी और चीज़ में मिला के बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो यहाँ पे है ये मैजिकल बनाना। और ये आप देखो ना, कितना खूबसूरत सा पिंक से कलर का है, और जब ये पूरी तरह पक जाता है तो ये फटता है, इसके अंदर से बीज निकलता है। तो इसको फिर और चीज़ों के साथ मिला के किडनी स्टोन की दवाई तैयार की जाती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है ब्राह्मी, जो आपने देखी होगी ना, आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे तेलों में इस्तेमाल होती है, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसको भी ड्राई करके और इसका पाउडर करके बहुत सारी चीज़ों में मिक्स किया जाता है,
तो अभी तक तो मैंने आपको दिखाया था ठेकड़ी का पेरियार स्पाइस गार्डन, और अब मैं आ गई हूँ ठेकड़ी मेन मार्केट में, जहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के मसाले बहुत रीजनेबल और बहुत क्वालिटी मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ ये सिनेमन या फिर दालचीनी। तो यहाँ पर आप दो तरह की दालचीनी देख सकते हो ना, जो ये वाली लंबी वाली बड़ी बड़ी पतली दालचीनी देख रहे हो, ये जो पेड़ की ऊपर वाली छाल होती है ना उसको छील के निकाली जाती है, और ये जो अंदर आप देख रहे हो ना जिसमें थोड़े थोड़े गोले गोले बने हुए हैं, ये दालचीनी जो है जब पेड़ को कट करके मशीन में डाला जाता है तब निकलती है। तो ऐसा इन्होंने मुझे बताया, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको और कोई प्रोसेस पता है तो मेरे साथ भी शेयर करिएगा। और यहाँ पर है स्टार एनीस, जो कि पुलाव या फिर कोई भी तरह का चावल बनाया ना उसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू देता है। कि फिर आप जो पत्थर पत्थर जैसे देख रहे हो ना, इन्होंने ये हमें बताया कि इसको जलाते हैं जैसे हम धूप बत्ती जलाते हैं ना, उस तरह से जलता है। भाई मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया और ना कहीं देखा, इन्होंने जो बताया मैं आपको वो ही बता रही हूँ। और ये है कोकम, जो कि चीज़ों को खट्टा करने के लिए यूज़ किया जाता है, और आई थिंक मराठी और गुजराती रेसिपीज़ में काफ़ी इस्तेमाल होता है। और ये देखिए, ये है जायफल, जो कि मैंने आपको दिखाया कि पेड़ पे कैसे लगता है, और ये देखिए सूखने के बाद ये किस तरह से हो जाता है, बस इसका कवर हट जाता है और अंदर से जो हमें गुठली मिलती है उसको हम नटमेग या जायफल कहते हैं, और इसको बहुत सारी स्वीट्स या फिर गरम मसाले या फिर पुलाव में इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, ये है सफ़ेद मिर्ची, तो सफ़ेद मिर्ची कुछ नहीं होती, बस काली मिर्च को फर्मेंट किया जाता है और उसका छिलका हटाया जाता है तो सफ़ेद मिर्च बन जाती है। और यहाँ पर है लौंग, तो लौंग में ना छोटा बड़ा साइज़ कुछ नहीं होता इन्होंने बताया, लेकिन अगर आप लौंग को दबा के देखोगे ना, अगर उसमें से ऑयल निकलना है तो इसका मतलब वो अच्छी लौंग है, और अगर ऑयल नहीं निकलना है तो इसका मतलब फैक्ट्री में लौंग का तेल ऑलरेडी निकाला जा चुका है और आपको सिर्फ कचरा बेचा जा रहा है। और ये इन्होंने हमें बताया कि कुछ छाल जैसी है और ये वाटर प्योरिफिकेशन या पानी को साफ करने के काम आती है। अब जग में इसको डाल दें और उसके बाद जो पानी जो है अपने आप ही फिल्टर हो जाता है और वो एक दवाई की तरह हो जाता है और बहुत फ़ायदा करता है। तो ये सब चीज़ें ऑफकोर्स मैं भी पहली बार देख रही हूँ, ना मैंने कभी इस्तेमाल की है, मैं आपको वही बता रही हूँ जो इन्होंने हमें बताया था। और ये है स्टोन फ्लावर, या फिर जिसको छड़ीला कहते हैं हमारे यहाँ, और उसको गरम मसाले में बहुत यूज़ करते हैं। ये है मराठी मुगू, मैंने पहली बार नाम सुना। अगर आपने कभी इसको यूज़ किया है ना तो मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं और आप किस चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हो। मैंने तो आज तक नहीं किया इसका इस्तेमाल। और केरला तो आपको पता ही है, फेमस है अपने टी प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ पर है काली वाली लीफ टी, जो कि मतलब प्रॉपर लीव्स हैं, और ये है ग्रीन लीफ, फैक्ट्री में जाके इसको प्रोसेस किया जाता है तो ये थोड़े बड़े दानों में मिलती है, और उसके बाद जो इसका चूरा होता है ना वो देखिए कुछ इस तरह का होता है। तो हर तरह की चाय मिल रही है यहाँ आपको, जो भी क्वालिटी पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ ही देखिए, पता है क्या है, इसके अंदर ना साबुन होता है, इसका जो कवर है वो कोकोनट का होता है, और इसमें तरह तरह के फ्लेवर के साबुन मिलते हैं, एप्पल फ्लेवर, या फिर आप लेमन ग्रास का लेना चाहते हो, या ब्रह्मी का लेना चाहते हो, या फिर आप पोमेग्रेनेट का लेना चाहते हो। मैंने सब एक एक खरीद लिए, तो गिफ्टिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये जो है ना, जैसे मैंने आपको पेड़ में दिखाया था ना, ऑल स्पाइस लगी हुई थी हरे रंग की, और ये सूखने के बाद ये देखिए किस तरह की हो जाती है, काली हो जाती है। और ये देखिए जो रखी है ना, ये आपको जो सिनेमन जैसी दिख रही है, ये दालचीनी जैसी, ये दालचीनी नहीं है, ये ऑल स्पाइसेस की पेड़ की छाल है, इसको भी बिल्कुल सिनेमन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ साथ ना यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे मिलती है तरह तरह की चॉकलेट्स, केले के चिप्स, ऑफकोर्स आप केरला में हो तो वो कैसे छोड़ सकते हो। और यहाँ मिलता है एक बहुत ही स्पेशल चीज़, ये हलवा, ये कॉर्नफ्लोर का बनता है, और तरह तरह के फ्लेवर्स, हर तरह का फ्लेवर मिल जाएगा आपको, मैंगो, एप्पल, रोज़, और जाने कितने तरह के। और ये नट्स के साथ भी होता है और विदाउट नट भी होता है, तो बहुत ही फेमस है ये केरला में। तो ये तो था हमारा स्पाइसेस और स्पाइस गार्डन का टूर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप केरला आए और ठेकड़ी आए तो यहाँ से स्पाइसेस ज़रूर खरीद के जाएं। मैंने नहीं खरीदे, मैंने गलती की, मैंने मसाले जो है मुन्नार से खरीदे, तो क्वालिटी वाइज बहुत ओके मिले मुझे और बहुत महंगे भी मिले। ठेकड़ी में मसाले क्वालिटी में ज़्यादा अच्छे हैं और सस्ते भी हैं ऐसा मुझे लगा। और ठेकड़ी बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, देखने को काफ़ी कुछ है, एक पूरा दिन यहाँ पर बिताया।